एक ऐसी कहानी जिसमें एक अलग तरह के भावनाओं को पैदा करने की ताकत है जो आपके दिलो दिमाग में घर कर जाएगा। यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जो जानवरों के बातों को समझता ही नहीं बल्कि उनसे बातें भी करता है। एक ऐसा शख्स जो जानवरों के हर एक चीज से वाकिफ है, फिर चाहे वह उसकी आदत हो या जरूरत। वह धरती पर रहने वाले जानवरों के साथ साथ मछली आदि कई जानवरों के भाषाओं को समझता है। यह कहानी है डॉक्टर डूलिटिल और उनके सफर का। तो कंटोप लगाकर आराम से किसी कोने में चिपक जाएं और लुफ्त उठाएं एक और नई कहानी का। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट दोनों करें, क्योंकि आपके थोड़े से सपोर्ट से हमें उम्मीद मिलती है। धन्यवाद। इस कहानी के शुरू होते ही हमें डॉक्टर डूलिटिल के पास्ट के बारे में बताया जाता है। डॉक्टर डूलिटिल को इंग्लैंड की महारानी की तरफ से एक बहुत बड़ा पशु विहार दिया जाता है, क्योंकि महारानी डूलिटिल के कामों से बहुत प्रभावित होती है। इस पशु विहार में वह हर तरह के जानवरों को रखता और उन सभी का इलाज भी करता। पर डूलिटिल की जिंदगी में लिली आती है जो एक बहुत बड़ी खोजकर्ता थी। डूलिटिल का दिल सिर्फ और सिर्फ लिली के लिए ही धड़कता था। वे दोनों जानवरों की मदद करते थे, वे दोनों एक साथ बहुत खुश थे। पर कहते हैं ना, अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। ठीक उसी तरह लिली को भी उनके पास जाना पड़ा और हमारा डूलिटिल फिर से अकेला पड़ गया। लेकिन समय की घड़ी बदली और डूलिटिल के ज़िंदगी में एक अजनबी लड़की की एंट्री हुई। वह था तो बिल्कुल अलग, पर उसके भी ख्याल डूलिटिल के ख्याल से मिलते जुलते हैं। उस लड़के का नाम स्टबन होता है और उसे जानवरों से बहुत प्यार है। वह उनके हरकतों को बड़ी ही सादगी और जिज्ञासु भरी आंखों से देखता है। स्टबन्स अपने पापा के दबाव में आकर वह एक गिलहरी को गोली मार देता है जिससे उसको काफी दुख होता है, पर वह जंगल में ही डॉक्टर डूलिटिल के पशु विहार तक पहुंच जाता है। पर यहां तक पहुंचने के पीछे एक तोते का हाथ होता है जिसका नाम होता है पॉली। पहली बात तो डॉक्टर डूलिटिल उस लड़के को वहां से जाने को कहते हैं, और दूसरी बात यह कि वो अब जानवरों का इलाज नहीं करते, और ये सब तब से चल रहा है जब से लिली की मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर डूलिटिल लिली के मरने के बाद कभी उस जगह से बाहर निकले ही नहीं। तभी वहाँ पर बकिंगम पैलेस से लेडी रोज आती है डॉक्टर डूलिटिल से मिलने। वहीं पर रोज और स्टबन्स की मुलाकात होती है। स्टबन्स कैसे भी करके डूलिटिल को गिलहरी की मदद करने के लिए राजी कर लेता है, और उधर पॉली और रोज दोनों डूलिटिल को पैलेस जाने को मना लेते हैं। पैलेस पहुंचते ही उन्हें महारानी की बीमारी के बारे में पता चलता है, पर जिस दवा से महारानी की बीमारी ठीक हो सकती है वह यहाँ नहीं मिलता। उसके लिए उन्हें दूर तक सफ़र करना होगा। डॉक्टर डूलिटिल और उसके साथ उनके जानवरों की एक छोटी सी टोली तैयार हो जाती है सफ़र जाने को, जिसमें एक भालू होता है जिसका नाम होता है योसी, एक गोलीरा जिसका नाम होता है चीची, एक शुतुरमुर्ग जिसका नाम होता है प्लिम्पटन, एक बतख जिसका नाम डैब डैब, और वो गिलहरी जिसका नाम होता है केविन, और साथ साथ में एक छोटा सा प्यारा सा तोता जिसका नाम होता है पॉली। काफ़ी जीत करने के बाद स्टबन्स को डूलिटिल अपने साथ ले जाते हैं। काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद वो एक टापू पर पहुंचते हैं और वहाँ से लिली के द्वारा लिखी हुई किताब को चुराने की कोशिश करते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं। उसी किताब को वो दवा का स्रोत कहते हैं, पर उस किताब के पीछे एक और की नज़र होती है जो महारानी को मारना चाहता है। पकड़े जाने के बाद डूलिटिल को एक कैद खाने में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एक बाघ उसे खाने आता है, पर उसके खाने से पहले गोरिल्ला यानी चीची आकर उसकी जान बचा लेता है। वहाँ से निकलने की कोशिश में वो आदमी जो महारानी को मारना चाहता है वो उसके हाथ से वो किताब छीन कर उसके जहाज को तोप के गोले से उड़ाकर वहाँ से चलते बनता है। आखिरकार उस टापू के राजा को जैसे तैसे मना कर डूलिटिल उस राजा के द्वारा दिया खटारा जहाज को लेकर उस दवा के खोज के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जब वे लोग पहुँचते हैं तब फिर उनका सामना उस आदमी से होता है जिसने उससे किताब छीना था। पर वहाँ पर दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन भी होता है, असल में वो मादा होती है। ड्रैगन के डर से वो इंसान भाग खड़ा होता है और डूलिटिल और उनके साथी छुप जाते हैं। ड्रैगन काफ़ी दर्द में होती है और डूलिटिल के अलावा उसका और कोई मदद भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या था। डूलिटिल अपने जानवरों के साथ मिलकर उसका इलाज करते हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद उस ड्रैगन का दर्द कम हो जाता है। बदले में ड्रैगन डूलिटिल को उस दवा के पास ले जाती है। दवा मिलते ही वह वहाँ से तुरंत निकल पड़ता है, और जैसे ही उस दवा की एक बूंद महारानी को पिलाया जाता है वैसे ही महारानी की आंखें खुल जाती हैं और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिपाहियों के द्वारा उस आदमी को काल कोठरी में बंद करवा दिया जाता है जिसने महारानी को मारने का षड्यंत्र रचा था, और फिर इस तरह से इस कहानी का सुखद अंत होता है।